फरवरी मार्च महीने में भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज खेली जाएगी। आपको बता दें कि आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में जाने के लिए टीम इंडिया के लिए ये सीरीज बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। लेकिन इस सीरीज से पहले भारतीय स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत कार दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। अब ये बात तय है कि ऋषभ पंत ना तो ये सीरीज खेलेंगे और ना ही आने वाला आईपीएल। ऋषभ पंत आने वाले 6 महीनों के लिए तो क्रिकेट से बाहर हो गए हैं और अभी भी ये बात तय नहीं है कि ऋषभ पंत 6 महीने बाद टीम में जल्द वापसी कर पाएंगे या फिर नहीं। लेकिन अब सवाल यहां पर ये आता है कि आखिर कौन करेगा टीम इंडिया में ऋषभ पंत को रिप्लेस। आपको बता दें कि टीम इंडिया में पहले KS भरत को ऋषभ पंत के रिप्लेसमेंट के लिए सोचा जा रहा था, लेकिन अब एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि आने वाली इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सीरीज में KS भरत नहीं बल्कि एक युवा बल्लेबाज ऋषभ पंत को रिप्लेस करेगा और ये रिप्लेसमेंट कोई और नहीं बल्कि खुद ईशान किशन है। हाल ही में ईशान किशन ने बांग्लादेश के विरुद्ध 210 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली। ईशान किशन को एक मौका मिला और उसमें उन्होंने एक बड़ी पारी खेली। सूत्रों की माने तो अब ईशान किशन ही वो बल्लेबाज होंगे जो आने वाली टेस्ट सीरीज में ऋषभ पंत को रिप्लेस करने वाले हैं। ईशान किशन ऋषभ पंत की जगह इसलिए टीम में आ सकते हैं क्योंकि वो भी बाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज हैं। इंडिया की टेस्ट टीम की बात करें तो बाएं हाथ का भारत के पास मिडल ऑर्डर में एक भी बल्लेबाज नहीं है। रविंद्र जडेजा ठीक नहीं होते हैं तो ऐसे में एक बाएं हाथ का बल्लेबाज होना जरूरी है। दूसरी बात यह आ जाती है कि वो भी एक अग्रेसिव विकेटकीपर बैट्समैन है। तीसरी बात यह भी है कि ईशान किशन युवा हैं और तेजी से रन बना सकते हैं। भारतीय पिचेस पर जब स्पिन की बारी आ जाती है तो ईशान किशन का बल्ला भी लगातार ऋषभ पंत जैसा ही चलता है। व्हाइट बॉल से तो ईशान किशन अपनी काबिलियत दर्शा चुके हैं, लेकिन क्या अब वो रेड बॉल क्रिकेट से भारतीय टीम के लिए उसी तरह से रन बना सकते हैं, ये देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन ईशान किशन का नाम ऋषभ पंत के रिप्लेसमेंट के तौर पर आना थोड़ा सा चौंकाने वाला है, क्योंकि हर सीरीज, हर प्रतियोगिता, हर टूर पे KS भरत को ऋषभ पंत के रिप्लेसमेंट के रूप में ले जाया जा रहा था। लेकिन जब ये मौका आया कि KS भरत ही ऋषभ पंत को रिप्लेस करें तो उस दौरान ईशान किशन का नाम सामने आ गया। अब ये देखना होगा कि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जाने वाली बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में किस विकेट कीपर बल्लेबाज को पंत की जगह खेलने का मौका मिलता है। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए। आप क्या मानते हैं कि कौन सा विकेट कीपर बैट्समैन टीम इंडिया में ऋषभ पंत को रिप्लेस करें, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक एंड फॉलो करें।